तो बोलते हैं ना कि वो जो सर्कल आपका बन जाता है ना बाइकिंग में आने के बाद, वो सर्कल बहुत अच्छी चीज़। तो बाइक मतलब मैंने वही पैशन, स्प्लेंडर, प्लैटिना उसी रेंज में था। अभी क्या है, जर्नी चले जा रही है, रोड खत्म नहीं हो रही है। मतलब शोरूम क्लीन बाइक, उसके सब टूट फूट गए। जैसे हेलमेट डाला, बाइक पे बैठे स्ट्रेस का है। वो ऐसा सीन था, मैं सोच रहा हूँ, अब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये गोकर्णा पास तो नहीं होता है। वो जैसे उसमें वो जादू बोलता है ना धूप, हम लोग का सेम एक्सप्रेशन था, ट्यूबलाइट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं बाइकरिस्टिक एस के यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एस के। तो स्वागत है आपका इस नए एपिसोड ऑफ राइड की रोचक कहानियां में, जहां हम जानते हैं अलग अलग बाइकर्स की राइड की रोचक कहानी। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दीप भाई हैदराबाद तेलंगाना से। तो आज हम जानेंगे उनकी राइड की रोचक कहानी। तो जल्दी से इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दीप भाई से। तो स्वागत है दीप भाई आपका हमारे YouTube चैनल पे और इस शो पे जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ। थैंक यू। बहुत सी रोचक कहानियाँ अभी हम भी शुरू करेंगे। जी जी, बिल्कुल। और सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बता दीजिए और आप कहाँ से हैं वगैरह। जैसे नाम तो पता ही है राइड वाला, बट जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो है दीप। तो ओरिजिनली मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, बट स्टडीज और ऑल अभी सेटल्ड हूँ हैदराबाद में। मेरा YouTube चैनल भी है राइड वाला। okay. मोस्टली अभी तो सब लोग राइड वाले से बोलने लग गए, दीप तो लाइक लोग भूल भी गए मेरा ओरिजिनल नाम क्या। सही बात है, जिस राइडिंग कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि जिस नाम से आपको मतलब एक मिल जाएगा तो फिर उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे मेरा एसके है तो मेरा फुल नेम कोई नहीं जानता। सब एसके बुलाते हैं। मैंने भी अभी एक्चुअली एसके भाई से सेव करके रखा है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको मोटरसाइकिल मतलब कौन सा, मतलब क्या आपको इंस्पायर्ड किया मोटरसाइकिल चलाना या फिर मोटरसाइकिल के बारे में? मोटरसाइकिल का इंस्पिरेशन जो मैं बोलूँगा मोस्टली मैंने जो फोकस होता है ना धूम मूवी से। ओके okay. हाँ, मतलब मेरे को लगता है मोस्टली वो जो जॉन अब्राहम का सीन होता है वो हायाबुसा पे आता है ना, तो वहाँ से वो क्रेज एक पकड़ा कि हाँ यार ऐसा कुछ तो चाहिए लाइफ में, ऐसा कि जाना है ऐसे। फिर उसके बाद जैसे इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो जैसे मैंने कुछ बाइकर से रैंडमली मिला था, मुझे पता भी नहीं था बाइकर का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके तब तो मैं था कि बाइक चलाओ बस, बाइकर वगैरह क्या होता है, राइडर बाइकर कुछ नहीं पता। अच्छा, तो रैंडमली उनके ग्रुप में घुसा, पूछा आप लोग क्या करते, तो बोलते राइड करते। मैंने कहा बस ऐसे ही राइड करते। बोलते हाँ राइड करते, हम जाते घूमते जगहों को देखते। तो मैंने कहा अच्छा, बस वो एक छोटा इंट्रैक्शन था। उसके बाद तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया गूगल कि राइडर क्या होता है। फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वो मोटो व्लॉग्स वगैरह चालू हुए, ट्रेंड आया मोटो व्लॉग्स का। तो वो मोटो व्लॉग्स थोड़े 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 देखे कि अच्छा ऐसी बाइक्स होती है, बीएमडब्ल्यू की भी होती है। अच्छा। हमको तो तब घर में हमारे वो थी हीरो होंडा की पैशन पहले आती थी। हाँ। तो बाइक मतलब मैंने वही पैशन, स्प्लेंडर, प्लैटिना उसी रेंज में था। उससे ऊपर तो मतलब ऐसा अभी तो कावासाकी ये वो इतना है बड़े बड़े हमारे लिए, तब था कि बस ये पैशन लेके एक बार जाएंगे, बस यही है। ओके तो जैसे अभी आपने बहुत सारे राइड जरूर की होंगी, तो कहाँ कहाँ अभी तक आपने राइड किया है? राइड्स तो बहुत सारे किए, ऑलमोस्ट साउथ के मैक्सिमम तो आसपास के स्टेट्स वगैरह कवर किए हुए हैं। अच्छा, थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट भी घूमा हूँ। ओके, कोई ना कोई आपको बहुत मेमोरेबल राइड रहा होगा तो हम बताइए कि मतलब आपका कौन सा ऐसा मेमोरी रहा, मतलब अच्छा बुरा, या फिर जिसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक आपके मेमोरी में स्टिक किया हुआ है वो राइड। ऐसे तो हर राइड में छोटी छोटी मेमोरीज बनती है, बट जो मेरा मोस्ट मेमोरेबल राइड था वो था हैदराबाद टू गोकर्णा राइड। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, उसमें एक्चुअली मेरे पास तब NS 200 थी, अभी तो मेरी बाइक चेंज हो गई। तो रैंडमली मुझे एक टेक्स्ट आया कि कोई राइडर है वो जा रहा है गोकर्णा। ओके, मेरे तो बस मैंने रैंडमली ऐसा कनेक्ट किया, मैंने कहा अच्छा ऐसा गोकर्णा कहाँ है, बोलते बस ये पास में है थोड़ा सा। उस टाइम तक मैंने लिटरली वो कभी गूगल भी नहीं किया कि हैदराबाद से गोकर्णा बहुत अच्छा दूर होता है। मैं सोचा बोले कर्नाटक में ही है, तो मैंने कहा कर्नाटक तो बाजू में ही है। अच्छा, तो बाजू बाजू में होगा, मैं उसी फ्लो में ठीक है चलते हैं। मैं सुबह
सब पैकिंग वैकिंग करके निकला, तब वहां पे जाके मेरा मेमोरेबल पार्ट ये है, मैं देख रहा हूँ दो वर्सेस खड़े हुए हैं। अच्छा। और मैं लिटरली 200 सीसी वर्सेस, हाँ, और मैं 200 सीसी की बाइक लेके उनके बीच में खड़ा हूँ अकेला बंदा। अच्छा। वो ऐसा सीन था, मैं सोच रहा हूँ, अब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये गोकर्णा पास तो नहीं होता है। मतलब मैं 6 बजे निकल रहा है, मैं 5 बजे सुबह तब वहां पे मिलके गूगल में देख रहा हूँ हैदराबाद टू गोकर्णा कितना दूर है। अच्छा। मैं उससे पहले पूरा रात मतलब कभी सोचा ही नहीं, मैं बस सामान डाल अपने गियर वेयर पैक किए, कैमरे चार्ज किए, वहां जाके मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि इतनी बड़ी बाइक आई है, मतलब ये पास तो नहीं होता है। अच्छा। और वो राइड में मेरे को पता चला कमर दर्द किसको बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, मतलब एनएस, और मतलब पहली बार ही आपका लंबा राइड था क्या? हाँ, पहला लंबा राइड था, उससे पहले तो मतलब वही 100-200 वाले जो होते हैं वही किए। तो कितना उसमें आपने डिस्टेंस कवर किया? हम लोगों ने टोटल अराउंड 980 किलोमीटर तक किया था। 980। अच्छा, एक दिन में या फिर दो दिन में? एक दिन में किया था। एक दिन में 980 किलोमीटर? हाँ, हम लोग ने मतलब सुबह 6 बजे स्टार्ट किया, तो हम रात को 11-11:30 बजे पहुंचे थे। कैसा रहा आपका मतलब पहला एक्सपीरियंस में, ऐसे फटीग हुआ या फिर कैसे आपने इसको हैंडल किया सारे चीज़ों को? नहीं, एक्चुअली मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ेदार था, मतलब मैं बोलूँगा ज़रूरी है ये एक्सपीरियंस, बट ऐसा नहीं जैसे मैंने किया कि पता ही नहीं है कि कितना किलोमीटर जाना है। मैं 200-300 की उम्मीद में चला था, मैं तो मेंटली भी वही प्रिपेयर था कि भाई 200-300 किलोमीटर होगा। अभी क्या जर्नी चले जा रही है, रोड खत्म नहीं हो रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग एक तो एनएस का हैंडल जो है वो स्पोर्ट्स वाला हैंडल है जो ऐसा रहता है, वो एक प्रॉब्लम वहां चालू हुई कि 2-4 घंटे तो सुबह तक ठीक है, एनर्जी थी कि हाँ भाई सुपर बाइक्स के साथ जा रहा हूँ, बड़ा एक्साइटमेंट होती है अंदर, एड्रेनलिन पूरा भरा हुआ। 4-5 घंटे बाद फील हुआ कि हाँ कमर दुखती है, और बहुत अच्छी खासी दुख रही है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जो राइडर्स थे एक्चुअली बहुत अच्छे थे और बहुत एक्सपीरियंस राइडर थे, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस किया कि तुम ऐसे मत बैठो, ऐसे थोड़ा पोस्चर ऐसे करके बैठो, और बाइक की स्पीड को थोड़ा कम करो, ताकि वो वाइब्रेशंस आते हैं ना बाइक में, जैसे हम हाई स्पीड करते हैं तो वाइब्रेशन से, और मेरे को वो हो रहा था कि बैक पेन, शोल्डर पेन, सब जिधर जिधर पेन हो सकता है शरीर में सारे पेन शुरू हो गए थे। तो वैसा थोड़ा ब्रेक ले लेके किया, तो वो मेरा जो फर्स्ट लॉन्ग राइड हुआ, मैं बोलूँगा वो बहुत ज़रूरी एक्चुअली लॉन्ग राइड, मतलब निकलना होता है ना, बोलते कि एक बार निकलो तो सही कम्फर्ट जोन से बाहर। सही बात है। अभी तो हम लोग कैसे लॉन्ग राइड होता तो पहले सोचते यार एक अच्छी एडवेंचर बाइक हो, एक ऐसी बड़ी बाइक हो, फिर निकलेंगे। मैं तो ऐसे ही निकल गया बस कि हाँ चलो जाएंगे, एक्सपीरियंस तो लेंगे। बट लिटरली वो डेस्टिनेशन पे जब पहुंचा, वो कमर दर्द वगैरह, मतलब बोलते ना कि जैसे वो गोकर्ण का बीच टच हुआ, मतलब ऐसा लगा ना एनर्जी आ गई अंदर, सारे पेन चले गए। तो वो इतना प्यारा था। उसमें बहुत एक फनी इंसिडेंट है, हम लोग का गोकर्ण का घाट रोड आता है, उसमें कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा। अभी मैं सबसे पीछे हूँ, चल रहा हूँ, शाम हो गई, तो शाम के बाद तो घाट पूरा अंधेरा। अरे। और ये कौन सा घाट है मेरे को समझ नहीं आया, इधर सामने कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, मतलब होता है ना कि अपोजिट साइड से कुछ गाड़ी, इस घाट पे कुछ नहीं। अब 1-2 घंटा चल रहा हूँ, मेरा दिमाग ऐसा खराब, मैं पूछ रहा हूँ इधर ये लाइट छोड़ के क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। मतलब 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाता है ना कि एक कोई बत्ती जला दो, एक छोटी सी कोई पान की दुकान ही दिख जाए। मतलब तरस गए हम लोग। तो हम लोग को बहुत देर चलने के अंदर एक चाय की दुकान मिली, लिटरली ना हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था उतरने का ट्यूबलाइट। वो जैसे उसमें वो जादू बोलते ना धूप, हम लोग का सेम एक्सप्रेशन था ट्यूबलाइट। मतलब ट्यूबलाइट के पास जाकर के रोशनी ले रहे थे क्या? रोशनी, अरे इतना देर से था घाट पे अंधेरे में चल रहे, और वो क्या फॉग लाइट जला तो क्या सिर्फ रोड पे ही देखना पड़ता है। हाँ। हम लोग का ना ऐसा फील हो, और दुकानदार हमको देख के सोच रहे कि ये कौन से ग्रह के लोग हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग लिटरली ऐसे ट्यूबलाइट को देख रहे थे ना कि कितनी रोशनी है आसपास, सब दिख रहा है।
वो हम लोग का लिटरली था, मतलब वो दुकानदार का जो एक्सप्रेशन था ना, वो हमको लिटरली ऐसे देख रहे थे कि क्या हुआ है इन लोग को, ट्यूबलाइट तो हर एक अच्छा। घर में रहती है। और जैसे आपने बाइक अपग्रेड किया, तो कब आपको लगा कि नहीं अब बाइक अपग्रेड करना चाहिए, दूसरा बाइक लेना चाहिए? ये गोकर्णा के राइड के बाद ही हुआ। पहली राइड पे? पहली राइड पे, क्योंकि अच्छा, जाते वक्त तो चलो एक जोश होता है, अब आते वक्त तो पता है घर ही है। मैं लिटरली आने का ना 3 दिन जो दुख रहा था, मतलब बाइकर्स को पता है एक कमर दर्द होता है ना, एक नीचे दर्द होता है, वो जो जांघों के पास दुख, और वो जो नीचे दुखना चालू हुआ, ओफो, उसी दिन मैंने क्या, नहीं नहीं अब कुछ बड़ा चाहिए बाइक, अब इसमें नहीं बैठ सकता, नहीं तो इसमें बैठूंगा तो बैठने लायक नहीं रहूंगा। और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने में भी दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि उन लोग, आप जो राइडर्स थे आपके साथ, वो मतलब हायर सीसी वाले फास्ट बाइक्स में थे और आप एनएस में थे, तो कैसे आपने कोऑर्डिनेट किया इसमें? कोऑर्डिनेट समाव हो गया, मतलब उन लोगों ने भी थोड़ी स्पीड कम कर ली उनकी, तो चलो उन्होंने भी मैनेज किया कि चलो 80-100 करते हैं, तो एनएस में भी मैंने 80-100 मैनेज किया। बट हाँ, एक था कि अगर बाइक थोड़ा ज़्यादा तेज़ होती ना, तो मे बी 4 घंटे या 5 घंटे हम बचा सकते थे। क्योंकि रोड्स अच्छे हैं साउथ इंडिया में, जितना मैंने भी मतलब ट्रैवल किया और देखा मैंने, तो रोड्स तो अच्छे हैं वहाँ पे। हाँ, मोस्टली तो अच्छे ही है, पर वही है, मतलब अगर अच्छी सीसी रहती है ना, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं स्पीड नहीं बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ कि आपका टाइम बच जाता है, टाइम बच, एनर्जी बच जाएगी एक तरह से। तो कहीं ना कहीं आप मतलब सजेस्ट करोगे हमारे नए राइडर्स को कि जैसे आप लॉन्ग टूर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको एक ऐसी बाइक की ज़रूरत है कि मतलब जो आपको मतलब खुली हाईवे अगर आपको मिले, तो आपको अच्छा ठीक ठाक स्पीड दे, मतलब 100+, और मतलब जैसे अपने एनएस में आपको थोड़ा दिक्कत हुआ, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि अराउंड 400 cc 500 cc बाइक जो है वो सही रहेगी। मैं सजेस्ट करूँगा, बट मैं यही चीज़ बोलूँगा कि सीसी के साथ एक पावर आती है, और हम क्या होते हैं ना, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी कैसा है ना, जैसे मेरे को 200 सीसी में चला रहा था, तो मेरे को एक कंट्रोल की आदत हो गई थी। पर जैसे मैं 400 पे ना, इनिशियली मुझे भी होता था कि यार ये गाड़ी तो 150 तक भाग रही है आराम से। तो उस एक्साइटमेंट को ना कंट्रोल में लाके कि नहीं, मुझे स्पीड उतनी ही रखनी है, पर क्या होगा, मेरा कम्फर्ट बढ़ा। सही बात है। तो ये नए राइडर्स के लिए मेरे ख्याल से पॉइंट आउट करने वाली बात है कि आपको मतलब अगर स्पीड वाली बाइक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें 150 में भगा रहे हैं हम लोग। है ना, और मतलब उसको कंट्रोल वे में चलाना है, और मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलाना है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी तो और भी 1000 cc 1300 cc तक बाइक आ रही है, पर वही होता है ना प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे बड़ी बाइक मिलती है ना, अंदर से एक जोश आता है कि मैं तो सबको पीछे छोड़ के चला जाऊंगा। तो वो तो एक तो हो गया, अपने लिए भी डेंजरस हो गया, फिर अपने आजू बाजू लोगों के लिए भी डेंजरस हो गया। तो मेरा कि बड़ी सीसी पे अपग्रेडेशन, लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो 100% वो जरूरी हो जाती है एक टाइम पे ना। अभी इसमें बहुत लोग का कहना होता है कि नहीं भाई, लोगों ने तो एक्टिवा में लद्दाख किया है, इस पे लद्दाख किया भाई, कर सकते, 100 सीसी में भी किया है, कर सकते बिल्कुल कर सकते, बट कभी उनसे खुद पूछो ना, तो वो बोलेंगे कि हमें करना था किया, बट उनको वो कंफर्ट कोई नहीं बोलेगा कि भाई बहुत मजा आया मेरे को करने में। हर किसी का है कि भाई मुझे करना था, इसमें अचीवमेंट चाहिए थी करने की, अचीवमेंट चाहिए। सही बात है। हाँ, तो बड़ी सीसी वही कि मैंने कंफर्ट देता है कि आप देखो, अभी आप 100 सीसी में भी 100 की स्पीड में भगा लोगे, आप 1000 सीसी में भी 100 की स्पीड, पर जब कंफर्ट देखोगे ना, गाड़ी का वाइब्रेशंस कम होगी। फिर एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती ना, कि हैंडल को जो हम पकड़ते हैं उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ लगती है। हाँ, सही बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि हैंडल को पकड़ने की स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, ऐसे जैसे हम बोलते हैं, बहुत वीडियो में देखते हैं वो वॉबल करने लगता है हाई स्पीड्स पे। अब हम बाइक अपग्रेड कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो अपने को फीचर्स भी मिलते हैं कि हैंडल स्टेबिलिटी अच्छी है, बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया। सही बात है। तो ये हमको तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स पर बहुत काम आएगा, और एज अ राइडर तो हमको क्या, बड़ी बाइक्स जो है मेन, अगर ओरिजिनल राइडर है जो मैं मानता हूँ, आजकल तो अभी राइडर के नाम पे बहुत लोग सिर्फ जैकेट पहन के निकल जाते हैं, बोलते हैं हम राइडर है, हरकत है, तो मैं तो छपरी बोलता हूँ उनको, प्योर छपरी। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले वीडियो में हम लोग भी उस पर बात कर रहे थे कि जो छपरी राइडर्स है जो लॉ फॉलो नहीं करते हैं, और मतलब खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मतलब मुसीबत बनते हैं वो।
भाई राइडिंग जैकेट पहन लो, हेलमेट पहन लो, तो बस हम बन गए राइडर। पर वो जैसे ही बाइक चलाते हैं ना तभी पता चल जाता है कि बोलते ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट माल का डिफरेंस। सही बात। तो वो डुप्लीकेसी पता चल जाती है कि हाँ भाई ये नकली राइडर है। सही बात है। क्योंकि मतलब मैंने बहुत सुपर बाइक्स के ग्रुप्स के साथ राइड किया, मतलब आज इवन रॉकेट 3 भी था जिसमें, वो तो अपना 2500 cc का इंजन है। तो हम लोग लिटरली 100-120 के बीच में थे, वो भी 120 मतलब जब पूरा खाली पैच आया। वहाँ पे जो लोग है तो बोल सकते हैं ना कि भाई मेरी गाड़ी तो 200 भी जाती है, 250 भी जाती है, 300 तक जा रही है। पर वही था कि हमको भाई हमको सेफली जाना है, सबके साथ मजे करते हुए जाना है। हम भगा के तो अकेला आदमी पहुंच जाएगा, फिर फायदा क्या, पीछे टीम तो पीछे ही है, अकेला डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्या करोगे। बिल्कुल। तो वही कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि मतलब इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट द एंजॉयमेंट एंड द रोड, और जो मतलब फ्रेंडशिप है वो सब चीजें। करेक्ट करेक्ट। वो तो मतलब फ्रेंड्स के साथ तो राइडिंग इज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। सही बात है। सबसे मजा आता है जब वो हम लोग चाय के लिए रुक जाते हैं जो हाईवे पे। तो उसका तो मतलब वो बातचीत, वो मजे अलग ही लेवल के होते हैं। सही बात है। तो हमको लगता है कि वही मतलब ज़्यादा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग वन ऑफ द फैक्टर है कि हम लोग राइड करते हैं, ताकि हम लोग उस तरह का मतलब अपना स्ट्रेस कहीं ना कहीं हटा पाए अपने मतलब लाइफ से। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि बाइकिंग जो है वो बोलते हैं ना, एक बार वो कई बार देखते से बोलते हैं स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, जैसे हेलमेट डाला बाइक पे बैठे स्ट्रेस गायब। सही बात है। मेरे को तो मतलब बाइकिंग ऐसा है ना कि करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत मतलब मैं कहूँगा नोट डाउन करने वाली बात है। मतलब जैसे होता है इंडिया में सेकेंड हैंड मार्केट्स भी बहुत इजीली अच्छा अवेलेबल, आपको 600 cc और ये आपको 1000 cc की बाइक भी इजीली अवेलेबल है। ईएमआई पे भी मतलब आप देखो तो बहुत इजीली मिल जाती है, ताकि अफोर्डेबिलिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना अभी, जैसे थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा अलग तरह से बोल रहा हूँ अभी, क्या हो गया कुछ लोगों का क्या है फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहता है, पेरेंट्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है, बच्चे घर पे बोलते हैं कि बाइक चाहिए, तो वो लोग सीधा मतलब बोलते हैं ना इनिशियली पहली बाइक ही उठा ली, 600-1000 cc की पहली बाइक। अभी तो ZX10R सबसे ट्रेंड चल रही है, हर एक जिसके पास पैसे है एक ZX10R उठा रहा है। और मतलब नोट करने वाली बात यह, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आजकल ZX10R के इंडिया में। तो ये मेरे को बहुत अजीब फैक्ट लगा कि मतलब कैसे, मतलब पेरेंट्स ठीक है आपके पास पैसा है बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी बाइक ले सकते हो तो मतलब कॉन्ग्रेट्स की बात है कि भाई चलो लोग बहुत ड्रीम करते हैं आप खरीद रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी जस्ट यंग बच्चे होते हैं, जस्ट आ रहे हैं अभी बाइकिंग में, उनको पहले ऐसी बाइक दे दी जो जा रही है सीधा 250-280 की स्पीड। अब बोलते हैं ना जो गर्म खून होता है, गर्म खून तो बोलेगा भगाओ भाई, और वो ऐसा भगाते हैं कि फिर भाग ही जाते हैं, बस क्या बोले अब। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो मतलब रिस्पॉन्सिबली तरीके से जो भी बाइक है वो सिलेक्शन करें, और मतलब जो लेवल ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि जो है उस अकॉर्डिंग बाइक आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। मैं तो एक्चुअली चाहता हूँ कि कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए कि भाई आपने इतने टाइम चलाया, ये मतलब एक्सपीरियंस मिला आपको। अभी जैसे हम लोग भी जैसे होता है ना जॉब वगैरह करते होता है ना कि इतना एक्सपीरियंस आया तो प्रमोशन मिली। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ रूल आना चाहिए ना कि आपने इतना एक्सपीरियंस लिया या इतना आपको आता है तब आपकी बाइक अपग्रेड कर सकते हो, सर्टेन सीसी के रूल कि मतलब 100-400 का रूल हो गए, 400-800 के बन गए, मतलब उसमें एक्चुअली सेफ्टी बढ़ जाएगी ना लोगों की। सही बात है। क्योंकि बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं आगे, बात हो गई कि सेफ रहेंगे लोग। बिल्कुल। अभी हम लोग भी जैसे आप और मैं भी, हम लोग कई साल से बाइक चला रहे हैं, अभी हम लोग को 100 cc दो, हमको 1000 cc दो, हमें पता है कि भाई इतना ही थ्रॉटल खींचेंगे, इतने पे भगाएंगे, इतना मेंटेन करेंगे। पर वहीं जैसे कोई होता है, मैं भी अभी लास्ट को एक ब्रेकफास्ट राइड गया था, तो एक नया लड़का जस्ट ज्वाइन हुआ था हमारे साथ, उस तो वो वैसे मतलब होते ना स्कूल ख़त्म किया, उसको लाइसेंस मिला तो घर वालों ने उसको आई गेस निंजा 650 उसको दिलाया था। तो वही वो हमारे साथ आया, उसको खाली पैच मिला,
वो बंदे ने फुल स्पीड भगाई, जैसे ही ब्रेक मारा उछल के गिर गया। मतलब शोरूम क्लीन बाइक, उसके सब टूट फूट गए। ओहो, और वो बंदा भी ठीक है? नहीं मतलब वही माइनर फ्रैक्चर वगैरह तो हो गई, मतलब अच्छा है कि गियर थे बोल के, मतलब क्योंकि हमारे क्या है ना मैंडेटरी था कि विदाउट गियर आना नहीं है, तो वो गियर थे बोल के बच गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब उसका वो एक्चुअली पहला ही राइड था, उससे पहले बस वो सिटी में घूमता था। तो उसने इंसिस्ट किया कि मेरे पास भी है ऐसा सुपर बाइक है, मैं भी ज्वाइन कर। तो हमने कहा सुपर बाइक वाला आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जैसे उसने चलाया, जब खींची ना बाइक, तभी हमको समझ में आ गया कि ये तो कुछ करेगा गड़बड़, और हो गई। मतलब अभी मैं ऐसे भी बोलूँगा कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि अभी वो बोल, अभी बहुत लोग को होगा कि भाई हमारे घर वाले दे सकते हैं बड़ी बाइक, हम तो 20 लाख की हम तो डुकाटी खरीद लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। बिल्कुल हाँ, बात है कि खरीदने की नहीं है, बात है चला कैसे सकते हो, कितना चला सकते हो अच्छे से। जैसे मैं बहुत लोग को बोलता हूँ, जैसे कई बार हम सिटी में जाते हैं तो वो आते हैं ना रास्ते में बाइक, तीन बंदे एक साथ बैठ के आते हैं, आओ रेस लगाओगे, रेस लगाओगे वाले। ये तो मतलब मोस्टली हर ब्लॉगर ने, मोटो ब्लॉगर ने, बाइकर ने फेस किया है सिचुएशन, फेस किया है। सही बात है। तो वो मेरे लोगों को लगता है ना कि जैकेट वैकेट पहने हैं तो मतलब कोई रेसर है, तो उसके साथ रेस करेंगे तो हम लोग अगर जीत गए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा वाला फीलिंग आता है। मैं तो ऐसा होता है ना, वो आते तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है रेस लगानी है ना, एक काम करते हम रेस लगाते 650 किलोमीटर की चला के वहाँ तक पहुँचना है। वो बंदा ऑटोमेटिक ना साइड में चला जाता, बोलता नहीं नहीं यहाँ तक। मैंने कहा नहीं नहीं भाई हम यहाँ तक नहीं लगाते, 600 किलोमीटर की रेस लगाते हैं, यहाँ से शुरू करके लगातार 600 किलोमीटर चलाना है। तब ना वो ऐसे हो जाते, लिटिल उनकी शक्ल देखने वाली होती है। सही है, क्योंकि ये छोटे से डिस्टेंस भगा के क्या करोगे, अगर स्टैमिना है, इतना एड्रेनलिन है, दुनिया देखो, दूसरी जगह जाओ, दूसरे जगह एक्सप्लोर करो, इतनी जगह इंडिया में घूमने के लिए, इतना खूबसूरत है हमारा कंट्री, देखो अलग अलग सिटीज में जाओ। सही बात है। जब ऐसे लाइन बोलते हैं ना तब उनका होता है कि हाँ करेंगे करेंगे, आएंगे आएंगे, एक दिन आएंगे करके अपना गली में निकल जाते हैं। हमने तो उस दिन वीडियो देखा, हमारा ये इन्फ्लुएंसर जो है तो 200 पे बाइक भगा रहा है। तो वही होता है ना कि वो भी जो भगाते हैं ना सब जनरली वो रेस ट्रैक होते हैं या पूरे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स होते हैं। अभी वो इनको समझ, इनको लगता है कि हर खाली सड़क जो है वो भगाने की जगह हो गई। और भी एक चीज़ है, मतलब जैसे हमारे सड़कों पे आप देखो तो मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको मतलब अच्छी सड़क दिख रही है बोल के वो अच्छी सड़क है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको कभी भी मतलब जो एनिमल्स है वो आ सकते हैं, कहीं से भी जम करके आ सकते हैं। और दूसरी बात है कि पॉट होल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे रोड पर। आप देखोगे कि हाई स्पीड रोड है लेकिन अचानक से कहीं पर पॉट होल आ गया, मतलब कहीं पर रोड टूटा हुआ है, तो उस तरीके के सिचुएशन में भी मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। नहीं ये तो है एक्चुअली, ये पॉट होल्स वगैरह मतलब ऐसा लगता है इजी है, बट फ्रैंकली मतलब मैं खुद भी बोलूँगा ना कि मुझे वो स्पीड में कंट्रोल करके निकालने के लिए मेरे को खुद सीखने में टाइम लगी वो चीज़। बिल्कुल, क्योंकि मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए जब मेरे को, जैसे हम तो जैसे ज्वाइन होते थे कुछ तो हमको अच्छे सीनियर्स मिल जाते जब बोलते ना राइडिंग पहले से कर रहे हैं, तो उनसे मेरे को लिटरली ये सब चीज़ हमको लगता है कि भाई पॉट होल से निकालना क्या चीज़ हो गया, या रास्ते में होते ना सडनली कोई कुत्ता बंदर आ गया तो बोलते ना क्या हो गया इसमें, तो वो सीरियसली ना वो ब्रेक मारना कैलकुलेशन करना लिटरली सीखने वाली चीज हो जाती है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने राइड वगैरह बहुत सारा किया है, तो उसमें कहीं पुलिस का ऐसा कुछ दिक्कत हुआ कहीं पे जहाँ पे आपको पुलिस ने हरास किया, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ आपके सामने आ गया, मतलब जैसे जंगल वगैरह से हम लोग गुजरते हैं तो जानवर वगैरह यूजुअली आ जाते हैं, या फिर कोई गुंडा बदमाश का पीछा किया, इस टाइप का कुछ सीन हुआ आपके साथ? नहीं ऐसे मतलब पूरे मेजर इंसिडेंट तो नहीं, कुछ कुछ छोटे छोटे हैं। जैसे पुलिस का एक सीन हुआ था, हम लोग जब महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ ना, कार वाले सब आराम से जा रहे, तो एक पुलिस वाले कोने में खड़े हुए थे। अच्छा अच्छा हाँ, अभी मतलब क्या था, ओरिजिनल पुलिस थी कि नहीं वो भी मुझे नहीं मालूम है। तो पर्टिकुलरली क्या हुआ, हमारी हम लोग 3-4 राइडर्स आए थे तो हमारी सबके बाइक्स रुकवा ली उन्होंने। तो रुकाने के बाद बोलते हैं गाड़ी में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये लाइट नहीं, वो नहीं, अलाउड नहीं है। हमने बोला कि सर तो दिन में तो हम यूज़ नहीं कर रहे हो।
बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है सर फाइन। बताया मैं क्या किया, अपना 360 खोल दिया, पूछता ये क्या। मैंने कहा सर ये कैमरा और ऑडियो है तो ये चारों तरफ का रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा तुरंत उसने बोला नहीं नहीं जाओ 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 आपका हो गया हो गया हो गया। अच्छा तो मतलब अभी मैं उसको क्या बोलूँ कि फिर रोका ही क्यों अगर रोकना नहीं था। मतलब उनका बोलते ना इंटेंशन सही नहीं थे उस टाइम। ऐसा ही और एक पुलिस का इंसिडेंट हुआ था। हम लोग लिटरली रात को ऐसे नाइट राइड से आ रहे थे तो उनका रैंडमली मतलब रोक के ऐसे गाड़ी का माइलेज क्या है क्या, मतलब बिना मतलब के 15-20 मिनट हर एक को रोक रहे हैं कितने अच्छा। की गाड़ी है ये है आप लोग रेस करते हो। हम लोग कि भाई देखो कोई सीधा साधा आदमी आराम से हम लोग दोस्तों ने खाना वाना खाए अपने घर जा रहे हैं तो ये कुछ पुलिस और बाइकर्स का कुछ तो हम बोलते हैं ना वो 19-20 का आंकड़ा तो है। अभी अभी तक तो वो हर एक का कुछ ना कुछ तो 100% होता ही है। और वाइल्ड लाइफ का जहाँ तक बात है तो मतलब इंडिया में वाइल्ड लाइफ के नाम पे जितने बार देखा हमने वो हमने एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है हमने सिर्फ भैंसा क्रॉसिंग देखी है। अच्छा तो वाइल्ड लाइफ तो वही है बस भैंसे ही सबसे खतरनाक है इंडिया के में। स्पेशली जब हम विलेज रोड्स पे जाते हैं ना वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। और एक तो उनका और बाइक के एग्जॉस्ट का क्या रिलेशन है मुझे आज तक नहीं समझ में। मतलब आप ड्राइव करो देखो भैंस कैसे दौड़ाएगी। कहीं ना कहीं उसका मुख लगता है शांति भंग हो जाता होगा। मेरे को अभी भी याद है ऐसे हम लोग किसी मतलब ऐसे आसपास गांव से निकल रहे थे हम लोग आराम से चाय वाय पी के सब लोग गाड़ी स्टार्ट किया और मैं सबसे आखिरी बंदा मतलब वो अपने में रहता ना हेड लीडर टेल मैं टेल में सब लोग निकले मैं बाइक स्टार्ट किया पता नहीं झाड़ी में से भैंस आई। अच्छा। अभी मेरा सीन ऐसा है कि मेरे को गियर डालना है ऑन करके गियर डालना और भागना पड़ेगा कि ये तो सींग मारेगा। अरे मैंने गांव के रोड पे वो भैंस से बचने के लिए जो ऑफ रोडिंग की है मेरे को वो आज भी मतलब वो सीन याद आता है कि आप इमेजिन करो एक बाइक भाग रही है उसके पीछे फुल स्पीड में भैंस भाग रही है। सही है वो एक मतलब ऐसा खतरनाक एनकाउंटर तो है बट उसका कुछ कर नहीं सकते। तभी मैं बोलता ना कि इंडिया में ज़ेब्रा क्रॉसिंग काम में नहीं आती है भैंसा क्रॉसिंग बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे आप इतना मोटरसाइकिल करते हैं ट्रैवल किया है आपने तो इससे मतलब आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। पॉजिटिव ही मेरे ख्याल से इम्पैक्ट हुआ होगा लेकिन क्या क्या हुआ है वो आप बताइएगा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ऐसा है जैसे मोस्टली वर्किंग रहते हैं तो टेंशन ये सब टेंशन तो रहता ही अपना वर्क का। बाइकिंग मुझे लगता है एक ऐसा चीज़ है ना कि जो हमको रिलैक्स करता है। सेकेंडरी हमको बेनिफिट होता है कि जो हम रैंडम लोगों से मिलते हैं बाइकिंग में तो कई बार कुछ बॉन्ड्स ऐसी होती है ना कि वो बन जाती ऑटोमेटिकली। जैसे करेंटली मैं मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है को राइडर है हम लोग एक रैंडम राइड पे मिले कोई स्कूल के दोस्त ने कहीं नहीं बस एक ब्रेकफास्ट राइड पे मिले बातें हुई उसके बाद से हम एक साल डेढ़ साल से सारी राइड साथ में कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे ये बाइकिंग में मेरे को अच्छा लगा कि ना फ्रेंड सर्कल जो बोलते हैं हमारा वो बढ़ता है। फ्रेंड सर्कल तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन भी डेवलप होती है उससे। कम्युनिकेशन और, हो गया हाँ और इंटरेक्शन आप लोगों से मतलब इजीली कर पाते हो और मतलब क्या बोलते हैं जैसे आप कहीं प्रॉब्लम में भी फंस गए तो कहीं ना कहीं वही लोग काम आते हैं। कभी हो सकता है कि स्कूल कॉलेज के लोग काम ना आए लेकिन जो मतलब फ्रेंड्स बाइकिंग कम्युनिटी में बनते हैं हमारे वो मतलब काम आते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग ये तो मैं 100% मानता हूँ क्योंकि जब मैं पहले बाइकिंग में नहीं था जैसे कहीं ट्रैवल करना होता था तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि वहाँ पे होटल कहाँ लिया कैसे जाएंगे। बाइकिंग में आने का जो नेटवर्क ऐसा बड़ा ना कि अभी ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं कहीं पे बस एक मैसेज डाल दो ग्रुप में कि भाई कोई है पहचान वाला। लिटरली वहां पहुंचने तक लोग फोन करते हैं कि भाई तुम आ गए ठीक हो ऑन द वे हो कोई रास्ते में तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी है तो बताओ हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये जो बोलते ना इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि बोलते ना अकेलापन रहता है कि भाई कभी सोलो राइड लॉन्ग जा रहे हो तो वो सोलो ऐसा लगता है कि सोलो नहीं भाई
कुछ लोग हैं जो हमें ना हमेशा साथ रहेंगे कि हम भाई फंस गए तो वो आ जाएंगे। मतलब ऐसे भी मैंने केसेस देखे कि लोग 200 किलोमीटर दूर जंगल में गए हैं, एक बाइकर का टायर पंचर हो गया, वो लोग सिटी से उसका ट्यूब टायर, एक टायर पंचर बनाने वाला, टायर इन्फ्लेटर पूरा किट उठा के 200 किलोमीटर जाके उसको निकाले वहां से। मतलब लगता है ना कि ऐसी ऐसी बॉन्डिंग तो हमको चाहिए कि हमें पता है कि यार हमें ये अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ये लोग कभी। सही बात है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मतलब नॉर्मली एज अ पर्सन, जैसे कोई बाहर से देख रहा है कि मैं बाइकिंग में क्यों घुस रहा हूँ, क्यों आना है, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपकी मेंटालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे आप एक बाइकिंग में आते हो ना, सबसे पहला जो सेंस है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आएगा, ऑटोमेटिक अंदर से आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कि रेगुलर लाइफ पे इफेक्ट करता है। सही बात है कि रेगुलरली भी आप अगर बोलते ना कि थोड़ा ढीला ढाला है, जैसे आप बाइकिंग में आते हो ना, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मैं ये राइड लीड करूंगा, मैं मार्शलिंग करूंगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल जब आप बनते हो ना, आपके अंदर से आता है कि नहीं यार आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सेकेंडरी अगर मैं नॉर्मल वाइज बात करूँ तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। लाइक ऑल द वर्किंग पीपल जो सोचते हैं कि भाई हमारा तो ऑफिस का संडे छुट्टी मिलती है, हम तो आराम से सोएंगे, उनके लिए बोलूँगा कि नेटवर्किंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह, क्योंकि बाइकर्स हर अलग अलग फील्ड से, कोई डॉक्टर हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई टीचर, कोई आईटी, कोई अलग अलग वेरियस फील्ड से, तो उनका जो इंटरेक्शन है ना वो आपको लिटरली एज अ करियर में भी हेल्प करता है फ्रेंकली, करियर में और इवन नॉलेज में। क्योंकि जब अभी 10 अलग अलग लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो टॉपिक ऐसा होगा जो हमें हेल्प करेगा इन नॉलेज के, कुछ ना कुछ तो नया बात पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, मे बी टेक्निकल होगा, एनीथिंग कैन बी देयर। सही बात है। लाइक मेरे ग्रुप में देयर आर 3 डॉक्टर्स, तो लिटरली हम लोग को बहुत नॉलेज मिलता है अबाउट मेडिसिन एंड मेडिकल, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप घर पे हो या इमरजेंसी होगी तो क्या करोगे, व्हाट आर द फर्स्ट एड टिप्स। तो नॉर्मली क्या अब इंसान ये सब कभी सोचता नहीं है, बट जब आप उस सर्कल में बैठे हो वो सर्कल ऑटोमेटिकली आपका स्किल्स अपग्रेड कर देगा। सही बात है। अभी जैसे मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, अभी हम सर्कल में बैठे हैं ना, तो कैजुअली मैं भी किसी को कुछ बोल देता हूँ कि भाई तुम इतना प्रोटीन खाया करो, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, या तुम जो है ये शुगर को काटो तो ऑटोमेटिक तुमको एनर्जी फील होगी, या हाइड्रेट रखो, तो एक कैजुअल बात होगी। अब कोई जो बंदा नहीं है ना उसको भी लगता है कि वो पूछने आता है कि भाई ज़रा बताओ तो थोड़ा क्या है और हेल्थ कैसे अच्छा रखे। अब उसका फील्ड अलग है, वो तो अपने ऑफिस में जाता आता है, उसका मेरे से इंटरेक्शन, उसको मेरी बात अच्छी लग गई कि भाई ये तो बंदा कुछ अच्छा बता रहा है हेल्थ के रिलेटेड, उसने सुन ली बात मेरी। तो बोलते ना कि वो जो सर्कल आपका बन जाता है ना बाइकिंग में आने के बाद, वो सर्कल बहुत अच्छी चीज है। एंड आई थिंक कि एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दैट थिंग एटलीस्ट वंस। तो जैसे आप अर्बन, मैं कहूंगा आप अर्बन बाइकर हो, एक बड़े शहर से हो, तो अर्बन बाइकिंग कम्युनिटी का मतलब सीन मतलब कैसा चल रहा है? मतलब जैसे कभी कभी वैसे हम लोग का सब अर्बन, मैं कहूँगा कि मैं तो सब अर्बन बाइकिंग कम्युनिटी से हूँ, तो वहाँ पे मतलब लोग कैसा मतलब इंटरेक्ट करते हैं? लाइक होता है ना कि जैसे मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं मतलब थोड़ा सा मतलब वो अलग यू नो आप समझ लो कि थोड़ा सा ये कर रहे हैं, मतलब जो छोटे मोटे मतलब बाइक लेके जा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? नहीं ऐसा है एक्चुअली, फ्रैंकली कहा जाए तो है भी और नहीं भी है। अच्छा अच्छा। मतलब पूरी तरह बायस होके तो नहीं, मतलब मैं इसका एक्चुअली डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, बिकॉज मैं 100cc ग्रुप में भी राइड कर चुका और मैं पूरे सुपर बाइक्स में भी राइड कर चुका हूँ, बट हाँ फील होता है। अच्छा अच्छा। जब आप बड़े ग्रुप में रहते हो ना तो वो जो बड़ी बाइक्स होती है ना वो फ्लाई बाय करके चले जा रहे हैं और आप पीछे आराम से आ रहे हो, समटाइम्स वो फील है, बट सब मैं नहीं बोलूंगा, मतलब अगर 10 में से एक बंदा ऐसा निकल सकता है जिसको मतलब फील होता है कि भाई मेरी तो बड़ी बाइक है, मैं क्यों धीरे चलो इनके लिए, मैं तो वही चीज मैं बोल रहा हूं है, मतलब ऐसा है, पूरी तरह से नहीं भी बोलूंगा, वही बोला ना कि 10 में से एक इंसान तो ऐसा निकलता ही है। और नए बाइकर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे?
मैं एक बहुत अच्छा मेरा स्लोगन है, बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर नॉट अ स्ट्रीट रेसर। ओके, जो नए बाइकर्स हैं ना, मैं उनको बोलूँगा कि बाइक चलाओ पर रिस्पॉन्सिबली सोचो। आपको अगर तेज जैसे बोलते हैं ना कि झन से भाग जाएंगे तो बहुत लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, इम्प्रेस कुछ नहीं होता पता है, लिटरली ना जो मन में लोग क्या सोचते हैं कि ये तो पक्का गया एक ना एक दिन, ये गिरेगा, इसको कुछ तो होगा, कोई तारीफ नहीं करेगा आपकी। पर वहीं आप जब देखते हो ना कि एक लाइन में ग्रुप जा रहे हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं आपके। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, अभी जैसे अपने इंडियन आर्मी जाती है, आर्मी कैसे जाती है एकदम सिस्टमैटिकली, हम कैसे तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ना कि अरे यार कितना सिस्टम है। अभी आप वही चीज सोचो कि आप एक बाइकर हो, आपकी कम्युनिटी है, दोस्त, आप भी वैसे ही अगर एक लाइन में एक सिस्टमैटिकली जाओगे, लोग क्या इंप्रेशन आता है ना, बोलते हैं ना वो, सही बात है। अभी अभी जो ट्रेंडिंग टाइम है टोरा, वो टोरा बढ़ता है जैसे बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ भगाना अगर सिस्टम में जाओ ना तो बहुत बढ़िया दिखता है। सही बात है। और मैं और जो नए राइडर्स हैं, मैं एक बहुत अच्छी चीज बोलूंगा कि देखो कितना भी भगा रहे हो कुछ भी करो, ये याद रखो कि घर पे आपका कोई वेट कर रहे है। तो जो घर पे वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए, किसी के लिए मत सोचो, उनके लिए सोचो कि भाई मुझे सेफ जाना है, सेफ वापस आना है। बिल्कुल। और आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, मतलब राइडिंग को लेकर के, और मतलब कौन सा डेस्टिनेशन सोचा है कि मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे बाइक से जाना है? ड्रीम डेस्टिनेशंस तो बहुत सारे हैं बट अभी कोशिश तो है, देखते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख का बहुत रहे, मेरा हर बार लेह लद्दाख ड्रॉप होते जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। एक लेह लद्दाख का है और एक नेपाल का बहुत मन है। अच्छा अच्छा। जो हम बोलते हैं अपर मस्टैंग लोअर मस्टैंग, लिटरली वो हेवन्स बोलते हैं हम, तो बाइकर के लिए वो हेवन है। सही बात। तो वो प्लान से अभी बस प्लान सक्सेस कब होगा ये देखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका प्लान बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो और जल्दी से आप लद्दाख और अपना जो नेपाल राइड है वो करो। तो इसी के साथ हमारा जो टाइम है वो हो चुका है, मतलब लगभग कंप्लीट इस पॉडकास्ट को एंड करने का, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी अभी हमारे दीप भाई के साथ हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दीप भाई और भी मतलब हमें अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, बट टाइम क्योंकि शॉर्टेज हो जा रहा है, अभी बहुत सारा लंबा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है हमारा, तो इसलिए अभी हम दीप भाई को यहाँ से कहेंगे अलविदा। और थैंक यू दीप भाई हमारे इस शो में जुड़ने के लिए और इतना सारा राइडिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतना टाइम आपने निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे लिए भी अच्छा है। नहीं नहीं, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं बाकी राइडर से सबसे कनेक्ट हो पाऊँ। जी जी। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे और पॉडकास्ट आते रहे ताकि हम ऐसा मज़ा लेते रहे अलग अलग राइडर्स कहानियों का। सही बात है, क्योंकि अक्सर हम राइड तो करते हैं, वीडियोज भी बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका जो बैक स्टेज होता है वो हम नहीं बताते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ कुछ लोग हाइड कर देते हैं, तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोग बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो थैंक यू दीप भाई जुड़ने के लिए। थैंक यू, मेरी तरफ से। उम्मीद है आपसे कभी ना कभी राइड करने का मौका आपके साथ मिलेगा ज़रूर। ज़रूर ज़रूर करेंगे, तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दीप भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलो बाय बाय। इसी तरीके का और एपिसोड आने वाला है हर संडे रात को 9 बजे, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि 9 बजे आपको मेरा पॉडकास्ट मिलता रहे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।